सो वेरी वॉर्म वेलकम बच्चों, वेलकम टू द ऑनलाइन स्पेस ऑफ केमिस्ट्री विद विवेक। सो वेलकम बैक, 3 बज गए हैं, आप सभी लोग वापस आ जाओ क्लास में। रूपाली, गौरी, वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। चलो, गुड आफ्टरनून शिवांगी। सो बोर्ड इज क्लियर टू यू? मेरी आवाज़ भी आप तक वापस क्लियर जा रही है प्रॉपर? बढ़िया। गुड मॉर्निंग अभिषेक, गुड आफ्टरनून बड़ी। चलो अंशिका, ओके ओके, वेरी गुड आफ्टरनून। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। चलो, तो लास्ट क्लास में हमने जो बातें की थी, द सीरीज इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या चल रहा है हमारा चैप्टर? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एंड इन दिस सीरीज टिल नाउ वी हैव डिस्कस 3 to 4 लेक्चर्स। And regarding these lectures, we have covered the application of coordination compound and the basic definition of coordination complex. कि भाई coordination complex क्या होते हैं? कुछ होता है central metal, कुछ होता है ligand. और basically हमने जो अभी तक बातें की थी वो central atom के recording में बातें की थी। आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैं सेंट्रल एटम का डिस्कशन किया था कि बेसिकली सेंट्रल एटम कहाँ से होता है। जल्दी से रिवाइज करिए आप लास्ट क्लास को। सेंट्रल एटम कहाँ से बिलोंग करता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों? क्योंकि सर इनके पास कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं? एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स, जिनमें लिगेंड्स कोऑर्डिनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन। एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स, ये सब बातें हमने की थी ना भाई, कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स होने चाहिए, उनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होना चाहिए। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की खास बात क्या थी? इनका जेड इफेक्टिव ज़्यादा होता था, जिसकी वजह से इनकी साइज कम होती है। साइज कम होती है तो इन पे चार्ज डेंसिटी भी ज़्यादा होती है। ठीक, ये सब बातें हुई थी। और अगर सेंट्रल एटम एज अ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर बिहेव कर रहा है, तो इन्हें हमने लुईस बेस भी टर्म दिया था कि ये लुईस बेसिक कैरेक्टर के होते हैं, सॉरी लुईस एसिडिक कैरेक्टर के होते हैं। ये सब लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, है ना? बोर्ड विजिबल है आपको? चलो थोड़ा सा हम और पास लाते हैं बोर्ड को, मुझे लग रहा है बोर्ड और क्लियर हो सकता है। चलो फाइन, ओके फाइन। चलो प्लीज़ लिंक को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी बात पहुँचाइए। क्लास स्टार्ट हो गई है, आप सभी लोग क्लास में आइए, वेलकम है। तो चलो नाउ हमारी जो बातें हो रही थी, बेसिकली वी आर डीलिंग विद द लिगेंड पार्ट। हम किसकी बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे लिगेंड्स के, हम लिगेंड की बात कर रहे थे, लिगेंड्स की बात कर रहे थे। ओके, लिगेंड्स के बारे में आपने क्या बोला था कि सर लिगेंड्स जो होते हैं वो ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स, स्पेसीज या आयंस, जो क्या करते थे? सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर कोऑर्डिनेट करते थे। यही तो होता था ना, आपने बेसिक डिफिनीशन यही लिखी थी कि सेंट्रल एटम को ग्रुप ऑफ एटम्स जो इलेक्ट्रॉन पेयर कोऑर्डिनेट करें, कोऑर्डिनेट इंटरेक्शन शो करें, दे आर कॉल्ड लिगेंड्स। और लिगेंड्स के क्लासिफिकेशन को बोला था बेस्ड ऑन द चार्ज, कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव, कुछ न्यूट्रल। इसकी लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड की थी ना कल, कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव, कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स की लिस्ट दी थी हमने आपको कल, याद होगा आपको। पॉजिटिव में मैंने आपको दिया था NO प्लस हाइड्रोजन दिया था, NH2, NH3 प्लस हाइड्रोजीनियम आयन। साथ में नेगेटिव में ढेर सारे दिए थे, OH माइनस, Cl माइनस, O2 माइनस, O2 माइनस, O2 समथिंग ऐसा, NH2 माइनस, NH अमीडो, अमीडो बहुत कुछ मैंने दिया था, NH2 माइनस। ये लास्ट क्लास आप जाइए लिस्ट देखिए। न्यूट्रल में आपको दिया था वाटर दिया था, कार्बोनिल दिया था, थायो कार्बोनिल दिया था, ये सब बातें हुई थी ना। न्यूट्रल में अमाइन भी दिया था, NH3। तो ढेर सारे लिगेंड्स हमने न्यूट्रल में दिए थे, ढेर सारे लिगेंड्स हमने पॉजिटिव नेगेटिव में दिए थे। अभी इनका बेसिक फंक्शन क्या है? सर ये जस्ट लिगेंड सेंट्रल एटम को क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रोवाइड कराते हैं। ठीक, चलो एक बात जाते जाते मैंने और बोला था, ये हमने क्लासिफिकेशन लास्ट क्लास में किया हुआ था। ठीक है, यहाँ तक हमारी क्लास रन की हुई थी लास्ट क्लास में, फाइन। चलो ठीक है, पूजा, आलोक, रूपाली, गौरी, अंशिका, ठीक है आ जाओ। नाउ आवर सेकेंड टॉपिक, आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए बहुत। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड, सेकेंड क्लासिफिकेशन, दैट इज
बेस्ड ऑन डेंटिसिटी, बेस्ड ऑन वर्ड यूज कर रहा हूं मैं डेंटिसिटी, बेस्ड ऑन डेंटिसिटी, डेंटिसिटी, डेंटिसिटी. व्हाट इज डेंटिसिटी? दिस इज द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रोवाइड बाय लिगेंड एट अ टाइम, एट अ टाइम प्रोवाइड बाय लिगेंड एट अ टाइम. मतलब डेंटिसिटी को आप क्या बोल रहे हो कि लिगेंड जितने कोऑर्डिनेट इंट्रैक्शन या जितने लोन पेयर प्रोवाइड करेगा सेंट्रल एटम को, दैट इज कॉल्ड डेंटिसिटी. सिंपल सी बात है कि अभी तक आपने जितने भी लिगेंड देखे, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, वो सभी लिगेंड सेंट्रल एटम को सिर्फ एक कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड कर रहे थे, एक लोन पेयर. तो इन सभी को आप बोलते थे मोनोडेंटेट लिगेंड. क्या बोलते थे? मोनोडेंटेट. अभी जितने भी यूज किया, दे आर मोनोडेंटेड लिगेंड. मोनोडेंटेड की डिफिनेशन आप एनसीईआरटी से गो थ्रू करो. मोनोडेंटेड मींस एक कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करेंगे सेंट्रल एटम को, ठीक है, मोनोडेंटेड. तो बेस्ड ऑन द डेंटिसिटी आपके जो लिगेंड्स के टाइप होते हैं, या तो वो मोनोडेंटेड होंगे या तो वो पॉलीडेंटेड होंगे. पॉलीडेंटेड लिगेंड, पॉलीडेंटेड मींस एक से ज्यादा कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, एक से ज्यादा लोन पेयर प्रोवाइड करा रहे हैं सेंट्रल एटम को, दे आर कॉल्ड पॉलीडेंटेड. पॉलीडेंटेड में आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है बाईडेंटेड, ट्राईडेंटेड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब, टेट्राडेंटेड. आपके सिलेबस में ये टेट्रा पेंटा नहीं है, आपके सिलेबस में डायरेक्ट हेक्साडेंटेड की बात करता है वो, हेक्साडेंटेड. ये सभी लिगेंड्स आपको पढ़ने हैं, ठीक. पॉलीडेंटेड में कौन कौन से लिगेंड पढ़ने हैं? बाईडेंटेड, ट्राईडेंटेड, टेट्राडेंटेड, हेक्साडेंटेड, पेंटाडेंटेड, ये टाइप ऑफ लिगेंड्स है. बस ये नामकरण है, इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको. कि सर बेस्ड ऑन द डेंटिसिटी, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ लोन पेयर्स कोऑर्डिनेटेड टू द सेंट्रल एटम, वी क्लासीफाई द लिगेंड्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज. एंड द फर्स्ट कैटेगरी इज मोनोडेंटेड लिगेंड. नाम से ही पता है मोनो, मोनो, मोनोडेंटेड मीन्स एक लोन पेयर कोऑर्डिनेट करेगा सेंट्रल एटम को. एंड द अनदर वन इज बाईडेंटेड. बाईडेंटेड जो दो लोन पेयर कोऑर्डिनेट करे एट द सेम टाइम, इंपॉर्टेंट, एट द सेम टाइम. अनदर इज ट्राईडेंटेड जो तीन लोन पेयर डोनेट करे, टेट्राडेंटेड जो चार लोन पेयर डोनेट करे, हेक्साडेंटेड जो छह लोन पेयर, छह कोऑर्डिनेट इंट्रैक्शन शो करे सेंट्रल एटम के साथ. तो डिफिनीशन लिखवाने नहीं जा रहा हूं मैं. बाईडेंटेड, ट्राईडेंटेड, टेट्राडेंटेड, हेक्साडेंटेड, ये आप समझ गए, आगे बढ़ूं, ठीक है. शिवांश हेलो एवरीवन, अन्वेषिका चलो क्लास में आ जाओ भाई सब लोग. चलो मे आई मूव फर्दर. सो टुडेज टॉपिक इज बाईडेंटेड लिगेंड्स. बाईडेंटेड लिगेंड के बारे में हमें पढ़ना है और थोड़ा बहुत कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप करने हैं, थ्योरी के साथ साथ कुछ कॉन्सेप्ट भी डेवलप करने हैं बाईडेंटेड लिगेंड के, ठीक. ओके डेंटिसिटी सर आपने यूज किया, डेंटिसिटी, ठीक. अब ध्यान से देखो, जैसे अभी तक मैंने पीछे जितने भी लिगेंड का लिस्ट अभी तक आपने लिखा है, दे आर मोनोडेंटेड लिगेंड. दे आर मोनोडेंटेड मींस व्हाट डज इट मीन? कि भाई अमोनिया है, अगर NH3 है तो नाइट्रोजन के पास एक नॉन बॉन्डिंग होता है, एक नॉन बॉन्डिंग होता है ना लोन पेयर, एक नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है. वही सेंट्रल एटम मेटल मान लेते हैं M, इसको कोऑर्डिनेट करता है, ठीक. तो यहाँ पे डेंटिसिटी कितनी हो गई? 1. डेंटिसिटी इज 1, एक कोऑर्डिनेशन शो कर रहा है ना, ठीक. सपोज वाटर है, H2O, अक्वा बोला था ना आपने, सेंट्रल एटम है. वाटर के पास दो लोन पेयर है, ध्यान से देखिएगा, जितने लोन पेयर हैं, जरूरी नहीं है वो सभी के सभी लोन पेयर्स सेंट्रल एटम को कोऑर्डिनेट किए जाए, बिल्कुल जरूरी नहीं है. मीन्स डेंटिसिटी नंबर ऑफ लोन पेयर के बराबर होगी, ऐसा जरूरी नहीं है. मीन्स अगर वाटर का केस ही देखिए आप, वाटर एक लोन पेयर कोऑर्डिनेट करता है सेंट्रल एटम को, ये एक मोनोडेंटेड लिगेंड है. कैसा है? मोनोडेंटेड, मोनोडेंटेड लिगेंड, ठीक. वाटर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, जबकि था इसके पास दो लोन पेयर, नॉन बॉन्डिंग में दो दो लोन पेयर हैं, नॉन बॉन्डिंग में दो दो लोन पेयर हैं. बट आप बोल रहे हो सर कि भाई साहब एक ही लोन पेयर डोनेट करेंगे, दो नहीं. ये बाईडेंटेड भी हो सकते थे, ये एट द टाइम दो लोन पेयर डोनेट कर सकते थे, बट सर ऐसा नहीं है, ये मोनोडेंटेड है. अमोनिया कैसा है? मोनोडेंटेड. तो वाटर बाईडेंटेड हो सकता था, बट ये मोनोडेंटेड है. इसका फैसला इस बात से कर सकते हो
कि किसी की डोनेटिंग पावर इस बात से डिपेंड करती है। पहली चीज, कोई लोन पेयर डोनेट करेगा उसकी पहली कंडीशन कि भाई उसके पास क्या होने चाहिए, हैव लोन पेयर, उसके पास लोन पेयर होने चाहिए। दूसरी कंडीशन होनी चाहिए कि उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फैक्टर भी, अगर आपकी किसी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ाओगे तो क्या वो लोन पेयर डोनेट करेगा, नहीं ना। मीन्स अगर आपने वाटर का एक लोन पेयर डोनेट कर दिया तो इसके पास कुछ प्लस चार्ज आ जाएगा ना, एक बचा रहेगा। तो अब वाटर पे ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आना, कुछ प्लस चार्ज आने का मतलब इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ चुकी है, तो ये फर्दर दूसरा लोन पेयर डोनेट नहीं करेगा। इसलिए वाटर कैसा है, मोनोडेंटेट है। वाटर के पास होते तो दो लोन पेयर हैं बट वो डोनेट एक ही करता है, फाइन। तीसरा एक फैक्टर होता है जो लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी को गवर्न करता है, वो होता है स्टेरिक क्राउडिंग। स्टेरिक क्राउडिंग, ये वर्ड मैंने जिनको 11th पढ़ाया है सब कुछ पढ़ा रखा है, स्टेरिक क्राउडिंग कि भाई जो डोनेट कर रहा है लोन पेयर उसके पास बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए। ये कहाँ पे आएगा ये बाद में हम डील करेंगे, अभी के लिए केस क्या था, वाटर एक मोनोडेंटेट लिगेंड है। तो डेंटिसिटी वर्ड समझे आप कि एट द सेम टाइम ये कितने लोन पेयर डोनेट करेगा। जैसे कल मैंने आपको हाइड्राजिन दिया था, NH2, दिस इज हाइड्राजिन, ठीक। यहाँ पे भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, बट सर आप इसको कैसा लोन पेयर बोलते हो, लिगेंड बोलते हो, मोनोडेंटेट। कैसा बोलते हो, मोनोडेंटेट। अरे भाई सेंट्रल मेटल अगर है, मान लो दिस इज सेंट्रल एटम, तो ये भी तो डोनेट कर सकता है, ये भी तो डोनेट कर सकता है ना, तो दो तो एट द सेम टाइम दो डोनेशन हो सकते हैं ना भाई, फिर ये मोनोडेंटेट क्यों है। चलो बताओ मुझे ये बात, अगर दो डोनेशन सेम टाइम पे पॉसिबल है तो फिर ये मोनोडेंटेट क्यों है। चलो ऋषभ, लकी, गौरी, यंग माइंड, सुपर क्लास में मयंक, ओके मयंक, हेलो एवरीवन, कैन यू टेल मी हाइड्रोजन NH2, आपके पास नाइट्रोजन दो है, दोनों के पास दो लोन पेयर है, स्टिल ये मोनोडेंटेट है, क्या बता सकते हो तुम? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर मैन। गौरी, शिवांश, ऋषभ, अन्वेषिका, मानसी, चलो बायोडेंटिटी पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा डेंटिसिटी पे डिस्कशन कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। शिवांश, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑड हो जाएगी, बढ़ जाएगी शायद। लाला दो नाइट्रोजन है ना भाई, दो नाइट्रोजन है, दोनों नाइट्रोजन अगर ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है, कल मैंने आपको बताया था अगर ये भाई साहब, ये मोनोडेंटेट है, अगर ये भाई साहब लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं तो ये भाई साहब नहीं करेंगे, ठीक। अगर सपोज आप देखिए NH2 इन केस दिस नाइट्रोजन इज गोइंग टू कोऑर्डिनेट विद द सेंट्रल एटम, तो ये भाई साहब नहीं करेंगे, ये एक मोनोडेंटेट है, ये बायोडेंटेट नहीं है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का सवाल नहीं उठता है यहाँ पे। देखो तो अब सवाल आता है कि सर बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ ऑनलाइन, हम आपको कुछ ही पढ़ा सकते हैं, ध्यान से देखिए जितनी बातें बोल रहा हूँ वो ध्यान से देखिएगा। आपको NH2 अगर ये सेंट्रल एटम, मान लो कोई भी सेंट्रल एटम है डी ब्लॉक का मेटल M, इसके साथ जब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर कोऑर्डिनेट करेगा तो ये थ्री मेंबर की रिंग बना रहा है ना, ध्यान से देखिए, थ्री मेंबर रिंग, ये एक रिंग बन रही है ना तीन मेंबर की, ध्यान से देखिए, थ्री मेंबर रिंग। आपको मैं बता दूं अभी ऑर्गेनिक स्टार्ट होगी, थ्री मेंबर रिंग अनस्टेबल होती है, कैसी होती है, अनस्टेबल। तीन मेंबर रिंग की बेयर स्ट्रेन वगैरह पढ़ाया जाएगा ऑर्गेनिक में, अनस्टेबल होती है, वो तीन मेंबर की रिंग फॉर्मेशन को फेवर नहीं करती, तो आप समझ सकते हो यहाँ पे दोनों नाइट्रोजन एक साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे। मीन्स सर जब एक डेंटिसिटी एक से ज़्यादा होगी तो ये इस बात का भी हमें निर्धारण करना पड़ेगा कि जो रिंग बन रही है वो रिंग स्टेबल हो रही है या नहीं, ठीक। तो क्या कुछ आइडिया लगा, अच्छा सुन लो, आप थोड़ा सा रिंग के बारे में आइडिया ले लो, तीन मेंबर की रिंग ऑर्गेनिक में अनस्टेबल मानी जाती है, ठीक है, चार की रिंग स्टेबल होती है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेस स्टेबल होती है, ठीक, बहुत कम जगहों पे बनती है, कंडीशंस अप्लाई होती हैं वहाँ पे। पाँच की रिंग बहुत स्टेबल मानी जाती है, पाँच और छः की रिंग स्टेबल मानी जाती है, ठीक है, पाँच और छः की रिंग कहीं पे बन रही है तो उसका फॉर्मेशन हम करेंगे,
आपको याद होगा जिनको मैंने कार्बोकटायन में रीअरेंजमेंट पढ़ाया था 11th में, वहाँ पे 5 और 6 की रिंग के फॉर्मेशन को मैं फेवर कर रहा था, रीअरेंजमेंट पढ़ाया था, 1-3 शिफ्टिंग, हाइड्राइड शिफ्टिंग, मेथाइल शिफ्टिंग, फिनाइल शिफ्टिंग, ठीक। तो रिंग के बारे में थोड़ा बहुत जान लो, 3 की रिंग अनस्टेबल होती है, 4 की रिंग थोड़ी सी ज़्यादा स्टेबल होती है, 5 और 6 की रिंग स्टेबल होती है, बेहतर अगर कोई 5 की रिंग के फॉर्म में है, 6 की रिंग के फॉर्म में है तो स्टेबल होगी, इस बात का हम यूज करेंगे अभी कुछ देर बाद, ठीक। क्या थोड़ा सा आइडिया लगा, क्या मैं आगे बढ़ूं कि सर अगर हाइड्रोजन दोनों लोन पेयर एक साथ डोनेट करता तो 3 का रिंग का फॉर्मेशन होता विद सेंट्रल एटम, 3 की रिंग का फॉर्मेशन अनस्टेबल होता है, ठीक। चलो मूविंग ऑन फर्दर, द नेक्स्ट थिंग, ये आपका जो ब्लर तो नहीं है, मेरे फोन में ब्लर आ रहा है, ये वीडियो 144 पे रन कर रहा है, एडवांस 720, चलो नाउ इट मे बी क्लियर, चलो ओके फाइन, ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो लिगेंड्स के बारे में हम पढ़ते हैं, कुछ बाइडेंटेट लिगेंड पढ़ते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कुछ बाइडेंटेट लिगेंड आपको देखो 3 बातें याद रखनी होंगी। पहली चीज, जो लिगेंड है उस पर चार्ज कितना है, चार्ज। दूसरी चीज, लिगेंड का कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है सुन लीजिए, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है वो सेंट्रल एटम के साथ, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड विद सेंट्रल एटम, बॉन्ड फॉर्म्ड, थोड़ा सा फास्ट हूं मैं, विद सेंट्रल एटम, ठीक, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड विद सेंट्रल एटम, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। जितने भी मोनोडेंटेड थे, मोनोडेंटेड जो भी आपने लिखा प्लस माइनस न्यूट्रल, उन सभी मोनोडेंटेड का कोऑर्डिनेशन नंबर CN कितना होगा, 1, कितना होगा 1। जितने भी बाइडेंटेड हैं इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा भाई इनका, 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 2। कोऑर्डिनेशन नंबर मींस एट द सेम टाइम कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, 2 सेंट्रल एटम के साथ, ठीक। कैसे बनाएगा, चलो देखते हैं, कुछ लिगेंड देखते हैं, ठीक है। और चार्ज कितना होगा ये आप ध्यान रखिए, कुछ आपको मैंने कटायनिक दिया था, कुछ एनायनिक दिया था, कुछ न्यूट्रल दिया था, ठीक। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा, चार्ज और कोऑर्डिनेशन नंबर, तभी आप आगे का प्रोसेस कर पाएंगे इस चैप्टर में, अदरवाइज मुश्किल होंगी आपको। चलो अतुल, हेलो हेलो अतुल, मुस्कान मुस्कान यू आर टू लेट इन द क्लास, ठीक। चलो तो सबसे पहले आपको देखना है, एक लिगेंड दे रहा हूं ACAC, नाम क्या है ACAC, इसका पूरा नाम एसिटिल एसिटेनेटो, एसिटिल एसिटेनेटो, ठीक। कैसे बनेगा ध्यान से देखिए, आप एसीटोन जानते हो ना, दिस इज एसीटोन CH3COCH3, दिस इज एसीटोन, दिस इज एसीटोन, एसिटोनोटो एसिटोनेटो है, दिस इज ओ, ठीक, एसिटिल एसिटोनेटो। आप एसीटोन जानते हो ना भाई, आप ध्यान से देखो एसीटोन, ठीक। आपको करना क्या है, एक H को हटाना है, दिस CH3, आपको यहाँ पे एक H को रिप्लेस करना है, CH2 लिखना है, फर्दर आपको एक एसिटिल ग्रुप जोड़ देना है, ठीक, दिस इज एसिटिल एसीटोन, एसिटिल एसीटोन। थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करना है, टाटोमर्जम कहलाता है ये, आपको करना क्या है, दिस इज अल्फा, आपको यहाँ का जो H है ध्यान से देखिएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड COH, दिस इज द रीअरेंजमेंट, टाटोमर्जम मैंने किया, घबराना नहीं है इससे। अगर आपको ये प्रोसेस नहीं समझ आ रहा है तो बस आप मॉलिकुलर फार्मूला ACAC का फार्मूला याद रखिएगा, ये आपको बन गया ना, यहाँ पे देखिए दिस इज ACAC यूनिट, ठीक। लिखते कैसे हैं, CH3 ध्यान से देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड CO पे माइनस, एक एच मैंने रिमूव कर दिया, CH3, दिस इज ACAC यूनिट, दिस यूनिट इज ACAC, ठीक। इंपॉर्टेंट ये है, इस पर चार्ज कितना है, चार्ज आपका -1 है, ये दिमाग में रखिएगा, चार्ज कितना है -1, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 2, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 2, ठीक।
चार्ज माइनस वन है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, दो, ठीक है। अच्छा ये यूनिट आपको नहीं दिख रहा है, ये नीचे दिख रहा है ना, ये नहीं दिख रहा है ना आपको, यहाँ से मैं ऊपर दिखाता हूँ। रीअरेंजमेंट क्या किया मैंने, इधर देखिए ये जो H था यहाँ से एक H मैंने रीअरेंज किया, सी एच यहाँ डबल बॉन्ड लाया, C यहाँ OH लाया, टाटोमेरिज्म किया, सिंपल रीअरेंजमेंट, ठीक, कुछ बच्चों को पता होगा। ये यूनिट हमने बनाया, फिर यहाँ से एक H प्लस रिप्लेस कर दिया, H प्लस के फॉर्म में हटा दिया तो O पे माइनस बचा, ये यूनिट हुआ ACAC। इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, चार्ज याद होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर ध्यान से देखिए, यहाँ पे O माइनस कर दिया H प्लस हटाने के बाद, दिस इज ACAC, ओके। अब सर इसके दो कोऑर्डिनेशन साइड कौन से हैं, कहाँ कहाँ से कोऑर्डिनेट करेगा, दो कोऑर्डिनेशन करता है तो एक ये ऑक्सीजन और यहाँ से एक ये ऑक्सीजन जिस पे माइनस चार्ज है, अगर सेंट्रल मेटल M है तो ये दोनों एक साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, ध्यान से देख पा रहे हैं आप, ये दोनों एक साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, ठीक। हाँ लिख दिया रूपाली, थोड़ा ऊपर लिख दिया, ठीक। ध्यान से देखिए ये आपको याद होना चाहिए, ये पैटर्न दिखना चाहिए आपको कि यहाँ से कोऑर्डिनेशन दोनों ऑक्सीजन डोनर हैं, दोनों ऑक्सीजन जिन पे एक पे माइनस चार्ज है और एक न्यूट्रल है, कीटोनिक फॉर्म में है, दोनों ऑक्सीजन डोनेट करेंगे, दो कोऑर्डिनेशन सेम टाइम पे, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, बाइडेंटेट लिगेंड। इस पे ओ डोनर है, कौन से डोनर है, ओ डोनर, दोनों ऑक्साइड डोनेट कर रहे हैं। डोनर भी पहचानना सीखिए, दोनों ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन डोनेट कर रहे हैं, क्या इतनी सी बात समझ आई। इस पे चार्ज कितना है, माइनस वन दिख रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, दो, नाम क्या है, एसी एसी एसिटिल एसीटेनेटो, कैसे ऑप्टेन किया ये समझ गए तुम, ठीक। मैंने एक प्रोसेस भी बता दिया, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो इस प्रोसेस से याद रखो, ठीक। क्या मैं आगे बढ़ूं, अन्वेषिका रूपाली, ठीक। अब देखो YouTube पे है, आगे पीछे दाएं बाएं करके आप पढ़ते रहना, ठीक है। एक्चुअली ऑफलाइन क्लास में हम आपसे इंटरेक्ट करेंगे, आज नहीं तो कल, सो वो लिंकअप ना टूटे इसलिए ऑनलाइन आना पड़ रहा है, और कोई रीज़न नहीं है ऑनलाइन आने का, ठीक। लिंकअप ना टूटे कि भाई चलो कुछ पढ़ा रहे थे उसके आगे पीछे, हो सकता है हमें लंबा ऑनलाइन पढ़ाना पड़ जाए तो प्रॉपर ऐप के थ्रू क्लासेस चलेंगी, तो एक हमारा तुम्हारा इंट्रैक्शन या अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए इन वन वीक्स में, इसलिए ऑनलाइन क्लास ली जा रही है, अदरवाइज और कोई इशू नहीं है, चलो ठीक है। आगे बढ़ूँ, रूपाली गौरी श्योर ओके ठीक चलो। तो आपने एसी एसी पढ़ा, फाइन, ठीक। लेट मी शेयर दिस लिंक, चलो फाइन। द सेकेंड वन, जब आप पढ़ रहे हो यहाँ से डेंटिसिटी पढ़ रहे हो, डेंटिसिटी से आपका एक रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, ओ माय गॉड, ग्लाइसिनेट, वन मिनट यू हैव टू, ठीक। चलो सेकेंड इज, सेकेंड बाइडेंटेट लिगेंड दैट इज कॉल्ड ग्लाई, इसको बोलते हैं ग्लाइसिनेटो आयन, क्या बोलते हैं, ग्लाइसिनेटो आयन। कहाँ से बना है, ग्लाइसिन से बना हुआ है। ग्लाइसिन क्या होता है ध्यान से देखिए, NH2CH2COOH, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। यहाँ से अगर आप NH2CH2COO- ये सी प्रोड्यूस कर दें, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ पे माइनस, तो यहाँ से ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है और यहाँ जो ऑक्सीजन है इसका डोनेशन, सेंट्रल एटम को ये दोनों एक साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, दिस इज ग्लाइसिनेटो, दिस इज ग्लाइसिनेटो। चार्ज कितना है याद रखिए, माइनस वन, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, दो, दिमाग में रखिए, ठीक। चार्ज माइनस वन, कोऑर्डिनेशन नंबर दो, अच्छा दो कोऑर्डिनेशन कर रहा है, एक एन डोनर है, नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, और एक ओ डोनर है, ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, ये इन्फॉर्मेशन, इतना मिनिमम इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। दिस इज ग्लाइसिनेटो, एक बाइडेंटेट लिगेंड है जिसमें दो डोनर साइट है, एक नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, इस पर चार्ज कितना होता है, माइनस वन, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, दो। ये देखो अभी आप टर्म्स पढ़ रहे हो, इन टर्म्स का यूज करते हुए हम अगला लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, ठीक।
बेहतर, ठीक। चलो अगला कंटिन्यू करूं। सर व्हाट इज थायोसाइनेटो? अनवेशिका यू हैव टू वेट फॉर 2 मिनट्स। एम्बिडेंटेड लिगेंड में हम थायोसाइनेटो पे वापस आ रहे हैं। साइनेटो, साइनेटो, साइनो, आइसोसाइनो, आइसोसाइनेटो, एम्बिडेंटेड लिगेंड, अभी 5 मिनट बाद ही ये सब चीज़ें आने वाली हैं अनवेशिका। यू हैव टू वेट, जिस क्रम में पढ़ा रहा हूँ आप इस क्रम में कंटिन्यू करो, इस ऑर्डर में, इस सीरीज में। हम 5 मिनट में ही आ रहे हैं थायोसाइनेटो पे, ठीक। चलो ग्लाइसिनेटो के बाद आपको ऑक्सलेटो मालूम होना चाहिए थर्ड, इसको लिखते हैं OX2- ऑक्सलेटो, दिस इज ऑक्सैलिक एसिड। यहाँ से क्या करो आप, 2H निकाल दो, 2H+ निकाल दो। अब सेंट्रल एटम M अगर यहाँ पे है तो ये ऑक्सीजन दोनों डोनेट करेंगे, बोथ O डोनर हैं, दोनों ऑक्सीजन डोनेट करेंगे। कौन डोनेट करेगा इस पर भी बढ़िया सवाल बनता है, ठीक। यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन डोनेट करेंगे, एक बाइडेंटेट लिगेंड है, चार्ज याद रखो, चार्ज कितना है -2, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर कहीं पे एक ऑक्सलेटो है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2। ये इतनी सी बातें आपको मालूम होनी चाहिए। दिस इज ऑक्सलेटो आयन, क्या बोलते हैं, ऑक्सलेटो आयन। चलो चौथा लिख लो, कल किसी ने डाईपाई बोला था, डाईपाई, डाईपिरिडीन। कैसे होता है भाई डाईपाई? डाईपाई, डाईपिरिडीन, डाईपाई। यहाँ पे दिखेगा नहीं आपको, यहाँ पे देखिए डाईपाई, डाईपिरिडीन, ये फोर्थ बाइडेंटेट, दिस इज पिरिडीन यूनिट, दिस इज पिरिडीन यूनिट। आप दो पिरिडीन को लिंक कर दो, दिस इज डाईपाई। यहाँ से नाइट्रोजन, यहाँ से नाइट्रोजन, दोनों के लोन पेयर एक साथ सेंट्रल मेटम को कोऑर्डिनेट करेंगे, ठीक। दिस इज डाईपाई बाइडेंटेट, फाइन। हाँ प्रतिमा सर थोड़ा स्लो पढ़ाइए, ठीक है। दिस इज द थ्योरेटिकल नॉलेज, ये क्या है, अभी तक मैं बस इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना बच्चों। जय हिंद आलोक। तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बच्चा, ये जस्ट थ्योरेटिकल है, आप नोट डाउन करते जाओ, अभी कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने हैं। अभी बस मैं बाइडेंटेड लिगेंड्स की लिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, ओके फाइन, ओके। सो कैन आई मूव फर्दर, इज इट ओके, इज इट फाइन? हमने डाईपाई दिया, ऑक्सलेटो दिया, ग्लाइसिनेटो दिया, ठीक है। हमने एक आपको दिया एसिटिल एसिटिनेटो, एसी एसी। पांचवा बाइडेंटेट आप लिखिए जरा ध्यान से, इसके बाद हमारी कुछ इंपॉर्टेंट बातें होंगी। आयुष ओके, चलो डाईपाई पे चार्ज, इंपॉर्टेंट डाईपाई पे चार्ज आप ध्यान से देखो, चार्ज कुछ नहीं है, चार्ज जीरो है, एक न्यूट्रल है, इस पर देखो कहीं पे भी चार्ज नहीं है। बट इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बच्चों, 2। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 2, ठीक है। चलो मूविंग ऑन फर्दर, थोड़ा फास्ट हूँ मैं, YouTube पे है, आप वापस देख सकते हो, लिस्ट बना सकते हो, टाइम पास करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक। चलो नेक्स्ट इज मच मोर इम्पॉर्टेंट, दैट इज DMG। नाम क्या है इसका, डाईमेथाइल, डाईमेथाइल ग्लाइसिनेटो ग्लाइऑक्सिन, डाईमेथाइल ग्लाइऑक्सिन, DMG, ठीक। DMG, देखो ये एब्रिवेशन है, शॉर्ट फॉर्म है DMG, ठीक। तो बनता कैसा है DMG, ठीक। DMG हम कैसे बनाएंगे, आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, इस पर चार्ज याद होना चाहिए, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर याद होना चाहिए, ठीक। DMG टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, DMG टेस्ट एक होता है, एक्चुअली DMG टेस्ट किया जाता है कहीं पे अगर निकिल है, निकिल प्लस टू, निकिल निकिल निकिल, आप जानते हो ना निकिल, कहीं पे निकिल है तो निकिल के इस्टीमेशन के लिए DMG टेस्ट किया जाता है। आपको ये बातें मालूम होनी चाहिए कि अगर कहीं पे निकिल है और हमने DMG प्रोवाइड करा दिया तो निकिल और DMG का बहुत बढ़िया कॉम्प्लेक्स बनता है, निकिल DMG का एक बहुत रेडिश सा कॉम्प्लेक्स बनता है। आप आगे फर्दर लैब में हायर क्लासेस में करोगे, निकिल और DMG का कॉम्प्लेक्स रेड कलर का बनता है, बहुत बढ़िया कॉम्प्लेक्स बनता है। निकिल और DMG के कॉम्प्लेक्स पे नीट में सवाल पूछता है, क्या पूछता है अभी हम बात करते हैं, ठीक। फिलहाल आपको DMG सीखना है, आपको देखो बेसिक यूनिट CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3, ये बेसिक यूनिट है इसका। अब देखो ये प्रोसेस, इसको आप हाइड्रोक्सिल एमीन NH2OH NH2 के साथ ट्रीट करोगे, वाटर H2O, नो वेट, NH2OH, H2O बाहर निकाला,
दो यूनिट हम ले लेते हैं N2S, यहाँ पे भी ऐसा होगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ये फॉर्मेशन याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे डबल बॉन्ड NOH, डबल बॉन्ड NOH, यहाँ तक पहुँच जाना है, यहाँ तक आपको पहुँच जाना है। क्या ये दिख रहा है? मैंने क्या किया, मैंने ध्यान से देखो क्या किया, मैंने NH2OH हाइड्रोक्सिल एमीन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल एमीन। मैंने ये दो बेसिक फंडामेंटल टर्म्स लिए हैं, इन दोनों को रिएक्ट किया है। एक्चुअली किया क्या है, हमने ये दो यूनिट लिया है तो एक वाटर यहाँ से निकाला, एक वाटर यहाँ से निकाला H2O, तो ऐसा जोड़ दिया कुछ। ये रिएक्शन पे अभी ध्यान नहीं देना है, अभी हमारा ये प्रॉपर पर्पज नहीं है कि हम रिएक्शन पे ध्यान दें सर कैसे हो रही है। अभी हमें क्या है कि DMG का फॉर्मूला निकालना है, कि भाई DMG का फॉर्मूला क्या है। ठीक, चलो तो ये बन गया, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं ऊपर लिखता हूँ फिर से DMG का फॉर्मूला लिखता हूँ ऊपर। दिस इज डाईमेथाइल CH3CCCH3, दिस इज डाईमेथाइल सी डबल बॉन्ड NOH, सी डबल बॉन्ड NOH, दिस इज डाईमेथाइल क्लायोक्सिम। एक्चुअली करते क्या है, ध्यान से देखिए, यहाँ का NO एक H रिलीज कर देते हैं H+ के फॉर्म में, दिस इज DMG, यहाँ पे आपको पहुँचना है, दिस इज DMG, यहाँ तक आपको पहुँचना है। ठीक, नीचे नहीं दिख रहा इसलिए ऊपर लिख दिया हूँ, कैसे बनाए छोड़ दीजिए आप, आपको ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिमाग में याद होना चाहिए, दिस इज DMG, दिस इज DMG, ठीक, दिस इज DMG। ये आप ध्यान से देखिए, दिस इज DMG, डाइमेथाइल ग्लाइऑक्सिन। अगर DMG का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपने लिख लिया है तो मैं इसके बारे में कुछ बताऊं आपको। रूपाली, आयुष, गौरी, प्रतिमा, ऋषभ, इज दिस फाइन, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ DMG। प्रतिमा, दिस इज नॉट फॉर योर वर्क, दिस इज नॉट यूजफुल फॉर यू डियर। ठीक, चलो तो सर आपने प्रोसेस बताया कैसे बनना है, छोड़ दीजिए हमको वो नहीं जानना, हमको आपने फॉर्मूला दे दिया CH3C डबल बॉन्ड NOH सी डबल बॉन्ड NO-, ऐसा लिखने का पर्पज है। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे जो सेंट्रल एटम M है, सेंट्रल एटम, उसको नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ ऑक्सीजन नहीं डोनेट करता, यहाँ पे ये बाइडेंटेट लिगेंड है और बोथ एन ये डोनर साइट है। डोनर साइट कौन है? बोथ एन। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन अपने लोन पेयर कोऑर्डिनेट करेगा सेंट्रल एटम को। इम्पॉर्टेंट ये है कि DMG में डोनर साइट दोनों नाइट्रोजन है, ये आप देख पा रहे हो कि नहीं, ध्यान से देखो। अच्छा, एक चीज़ और नोटिस करो, जब ये डोनेट कर रहे हैं तो एक रिंग बन रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, एक 5 मेंबर्ड की रिंग बन रही है। DMG में जब दोनों नाइट्रोजन सेंट्रल एटम को कोऑर्डिनेट करेंगे, देन इट इज गोइंग टू फॉर्म 5 मेंबर्ड रिंग, और ये रिंग स्टेबल होती है। ये सब बातें दिमाग में रखो। ठीक, अच्छा, चार्ज कितना है यहाँ पे, इस पर चार्ज कितना है, चार्ज है माइनस वन। देखिए आप, एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस किए हो, चार्ज है माइनस वन। ध्यान से देखिए, ये है चार्ज कितना है, माइनस वन। रट डालिएगा चार्ज, अगले लेक्चर में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सर आपने इस हाइड्रोजन को रिलेट क्यों नहीं किया, क्योंकि ये हाइड्रोजन आपका जब यहाँ ऑक्सीजन पे माइनस वन आया तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ स्टेबल है। यहाँ पे क्या शो हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो आपका हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन O- के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जा रहा है, तो आप दूसरे H को इतनी ईजिली रिमूव नहीं कर सकते हो। फाइन, ठीक। आयुष यहाँ पे ऑक्सीजन डोनेट नहीं कर रहा है, बेहतर ये होगा ना, जब भी हम डोनेशन की बात करते हैं ना, तो डोनेट करने के बाद जो परिस्थिति बन रही है, जो क्रिएट हो रहा है, जितना मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, रिंग का फॉर्मेशन भी, क्योंकि बनने वाला अगर स्टेबल नहीं होगा तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन डोनेट करेगा। तो यहाँ से ऑक्सीजन से
बेहतर डोनेटिंग टेंडेंसी नाइट्रोजन की है। आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है ना एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, ठीक। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ नाइट्रोजन डोनेट करेगा, जैसे मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ, आयुष इट इज़ फॉर यू, दिस डिस्कशन इज़ फॉर यू, कि सर कार्बोनिल आपने पढ़ाया था मोनोडेंटेट लिगेंड है, ठीक है, कार्बोनिल इज अ मोनोडेंटेट लिगेंड, यहाँ पे मोनोडेंटेट है तो एक कोऑर्डिनेशन करता है सेंट्रल एटम को, ठीक, इसलिए मोनोडेंटेट है। और मैं आपको बता दूं ये कोऑर्डिनेशन ऑलवेज कार्बन करेगा, कौन करेगा, ऑलवेज कार्बन, ऑक्सीजन नहीं करता डोनेट। आप कार्बोनिल जब पढ़ोगे CO तो यहाँ पे कार्बन हमेशा डोनेट करेगा सेंट्रल एटम को, हालांकि ऑक्सीजन के पास भी है लोन पेयर लेकिन ऑक्सीजन नहीं करेगा। इसका रीजन आप समझ गए ना कि मैं आपके क्वेश्चन को कहाँ से रिलेट कर रहा हूँ, ठीक ठीक। ऑक्सीजन डोनेट करेगा तो 6 मेंबर की रिंग बनेगी, लाला ऐसा कुछ नहीं है, जरा आप समझिए इस डिस्कशन को समझिए जरा, जब जो डिस्कशन मैं कर रहा हूँ आयुष, ठीक, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, आयुष लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव वाला ही डोनेट करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है लाला, बात को सुनो, ठीक, सुनो 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 सुनो, DMG का केस हम डिस्कस ओवर करते हैं, चार्ज -1 हो गया, कोऑर्डिनेशन साइड 2 हो गया। देखो जब आप MOT थ्योरी पढ़ाओगे, MOT से ये सब बातें लिंक होती हैं, ठीक है, कि कार्बन पे एक लोन पेयर है, ऑक्सीजन पे 2 है, लेकिन डोनेट कौन कर रहा है, कार्बन, ऑक्सीजन नहीं कर रहा है। तो एक्चुअली जब मैं आपको पढ़ाऊंगा वहाँ पे, तो डोनेशन जो होता है आपको CO का मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम आना चाहिए, MOT से मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम आना चाहिए, इसी से आपको पता चलता है होमो क्या है, ल्यूमो कहाँ है। और अगर लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर हमेशा डोनेट करता है तो एनर्जी लेवल में जो सबसे ऊपर होता है, जिसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होती है, उसी को डोनेट करता है, मींस हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल हमेशा डोनेट करता है सेंट्रल एटम को। ये सब बातें देखो बड़ी चीज़ें हैं, अभी हम आपको ऑनलाइन में बहुत थोड़ा सा कंटेंट दे पाते हैं, सुनिए, होमो से इलेक्ट्रॉन पेयर हमेशा सेंट्रल एटम को डोनेट किया जाएगा। और जब ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के और ऑक्सीजन के नॉन बॉन्डिंग है, थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कि MOT में जब आप एनर्जी लेवल पे इनके नॉन बॉन्डिंग का बनाओगे तो कार्बन का नॉन बॉन्डिंग ऊपर होता है और ऑक्सीजन का नॉन बॉन्डिंग नीचे होता है, ठीक है, ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है MOT में, तो ऑक्सीजन का नॉन बॉन्डिंग नीचे क्यों होता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई होती है, तो उसके एनर्जी ऑर्बिटल्स नीचे होंगे, भाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई होने का मतलब न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज होगा ना, तो एनर्जी लेवल कम। तो अगर कार्बन में लोन पेयर है, ऑक्सीजन में लोन पेयर है, तो ये जो गैप है, ये जो गैप है ध्यान से देखिएगा, ये जो गैप है, ये गैप ज़्यादा है, अगर जैसे कार्बोनिल में कार्बन और ऑक्सीजन में बहुत ज़्यादा गैप होता है, तो हमेशा कौन डोनेट करेगा, कार्बन ऊपर जो है वही पहले जाएगा ना देने, क्योंकि भाई अनस्टेबल है ना, ये गैप में कौन डोनेट करेगा, कार्बन। लेकिन अगर CS लिख दो, थायो कार्बोनिल CS, ठीक, तो यहाँ देखो सल्फर लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है कार्बन से, उसका नॉन बॉन्डिंग थोड़ा ऊपर होगा, अब गैप कम हो गया ना, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये जो गैप है कम है, तो हो सकता है सल्फर भी डोनेट कर दे, हो सकता है सल्फर भी डोनेट कर दे, बात को समझ रहे हो ना। तो डोनेट कौन करेगा, मतलब किसका नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एनर्जी में हाई है, होमो में है, MOT में होमो में है, वो डोनेट करेगा, ठीक है। तो अभी मैं बता रहा हूँ यहाँ सिर्फ कार्बन डोनेट करेगा, ऑक्सीजन कभी भी डोनेट नहीं करेगा। अच्छा, ऐसा कोई आ जाए जिसमें कार्बन भी डोनेट करे, बगल वाला भी डोनेट कर सकता है, मतलब ये गैप, दोनों का एनर्जी गैप बहुत कम हो, तो ऐसे लिगेंड्स को एम्बीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, जिसमें मोर देन वन डोनर साइट हो और दोनों कर सकें एट द सेम टाइम, वन ही कर सके, एक ही करता है। अभी आगे आता हूँ इन सब बातों पर। क्या ये डिस्कशन समझ पाए कि कौन डोनेट करेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि होमो में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी कम है, वो इजिली डोनेट करेगा, ठीक। अभी हम बातें करते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड की, बात आज ही होनी है, परेशान मत होइए आप, ठीक। ठीक है, चलो तो डोनेशन कोई एक करता है, मोनोडेंटेट में मोर देन वन डोनर साइट है तो भी डोनेशन एक ही करेगा, और ये डिपेंड करेगा, MOT थ्योरी सर गवर्न करेगी इस चीज़ को कि भाई डोनेट कौन करेगा। हाँ, एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर होता है फॉर्मेशन ऑफ रिंग, कितने मेंबर की रिंग बन रही है, जैसे उसी पे सवाल देखो आप, निकिल DMG का कॉम्प्लेक्स मैंने दे दिया आपको, ठीक,
डीएमजी पे चार्ज होता है माइनस वन माइनस टू, यहाँ पे फोर माइनस लिखूँ अगर, तो एनआईडीएमजी का कॉम्प्लेक्स मैंने दे दिया आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको मैंने दिख दिया फोर प्लस, ठीक ठीक ये कॉम्प्लेक्स है। अब देखो एक चीज़ देखो, अगर आपने ये चीज़ें सीख ली हैं तो दो चीज़ें आपको मैं निकालना सिखा दे रहा हूँ। निकिल पे चार्ज कितना होगा, मीन्स इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे। एक्स डीएमजी पे कितना बताया चार्ज, माइनस वन, तो दो डीएमजी यहाँ पे होते हैं दो, तो चार्ज कितना हो जाएगा माइनस टू इक्वल्स टू प्लस फोर, तो एक्स इक्वल्स टू कितना आएगा प्लस टू, मीन्स यहाँ निकिल किस फॉर्म में है प्लस टू, ठीक। यही ये सिखाना है अभी मुझे अगले 10-15 मिनट में, ठीक। तभी मैं बोल रहा हूँ कि हर लिगेंड का आप चार्ज याद रखो, चार्ज याद रखो, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक। अच्छा यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकिल को कितने कोऑर्डिनेशंस मिले हुए हैं, एक डीएमजी कितने करता है दो, तो दो डीएमजी कितने गए चार, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है चार, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है प्लस टू, ये बात समझ पाए। सो कैन आई मूव फर्दर मुस्कान रूपाली, इफ दिस इज सो कैन आई मूव फर्दर, ये बात अगर आप समझ पाए कि सर निखिल का आपने ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालना सिखा दिया, और किसकी हेल्प से, लिगैंड पे चार्ज की हेल्प से, ठीक। ये बचपन में करते थे ना ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो शिवांगी ओके, अब इस कॉम्प्लेक्स को थोड़ा सा स्टडी करो, निखिल प्लस टू है, ठीक है, और डीएमजी के दो यूनिट हैं, एक यूनिट आप इधर बना लो सी एच थ्री, सी एच थ्री डबल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड एन ओ एच ओ माइनस, ठीक। एक बॉन्ड आप एक डीएमजी इधर बना लो सी सी एच थ्री, सी एच थ्री डबल बॉन्ड एन ओ माइनस डबल बॉन्ड एन ओ एच, ठीक। निकिल आपका बीच में है, देखो कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, निकिल प्लस टू, ये नाइट्रोजन यहाँ से कोऑर्डिनेट करेगा, ये नाइट्रोजन यहाँ से लोन पेयर कोऑर्डिनेट करेगा, ये नाइट्रोजन यहाँ से कोऑर्डिनेट करेगा, ये नाइट्रोजन यहाँ से कोऑर्डिनेट करेगा। देखो आप देख पा रहे हो कॉम्प्लेक्स कैसे बन रहा है, एन आई डी एम जी का होल ट्वाइस। सवाल ये था, ध्यान से सुनो, सवाल ये था, क्वेश्चन क्या था, आपको विजिबल है ना बोर्ड, प्रॉपर दिख रहा है, परफेक्ट। कोऑर्डिनेशन नंबर फोर दिख रहा है, सेंट्रल एटम को नाइट्रोजन ने डोनेट किया, ये भी दिख रहा है, फर्स्ट क्लास दिख रहा है। क्वेश्चन ये था, ठीक, ओ एच ओ माइनस ओ एच, क्वेश्चन ये था कि हाउ मेनी रिंग्स आर देयर, हाउ मेनी रिंग्स आर देयर, दिस इज द क्वेश्चन, हाउ मेनी रिंग्स आर देयर, ये शायद नीट का क्वेश्चन है, अभी अभी पूछा था, किस ईयर में पूछा था, 2017-18-19 ऐसा ही किसी एक में निकिल डीएमजी इस कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन पूछा था, हाउ मेनी रिंग्स आर देयर। तो आंसर करो आप आयुष फोर, आयुष फोर, आयुष दो तो हमें दिख रही है, एक रिंग ये दिख रही है पांच मेंबर्ड की रिंग, फाइव मेंबर्ड, एक रिंग ये दिख रही है फाइव मेंबर्ड की रिंग, दो तो हमें दिख रही है, दो कहाँ पे है आयुष, प्रतिमा फोर, दो कहाँ पे है, सौरभ तीन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा आयुष, गुड। ध्यान से देखो ये जो माइनस है और ये जो हाइड्रोजन है ये आपस में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, ठीक है। यहां देखो ओ माइनस हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ाया है 2 घंटे 11 में मैंने, दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से है, ठीक, दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से है, ये देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है, यहाँ पे दूसरे का हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कर रहा है, ओ पे माइनस और यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ओ पे माइनस, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है। तो एक्चुअली ये दो तीन चार पाँच छ, ये छः मेंबर्ड की रिंग इधर भी है एक, तो सिमिलर एक दो तीन चार पाँच छ, यहाँ पे भी छः मेंबर्ड की रिंग है, ये छह मेंबर की रिंग कैसे बनी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का यूज करते हुए, और दो पांच मेंबर की रिंग, कुल मिला के कितनी रिंग है, चार रिंग है, दो आपकी पांच मेंबर की रिंग है और दो आपकी सिक्स मेंबर रिंग है, दोनों स्टेबल होती है और दोनों बनेगी, ठीक, समझ पाए आप। लिगेंड की ही बात कर रहे हो अभी तक, लेकिन आपके क्वेश्चन बनने शुरू हो गए हैं, ठीक है, आप लिगेंड की ही बात कर रहे हो लेकिन क्वेश्चन बनने शुरू हो गए हैं, ठीक।
जिसको उस लिगेंड समझ आएंगे, उसको कोऑर्डिनेशन नंबर समझ आएगा, उसको ऑक्सीजन स्टेट समझ आएगा। और ऑक्सीजन स्टेट निकालना सीख लिया, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सीख लिया, लिगेंड के बारे में प्रॉपर जानकारी हो गई, चार्ज क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, डोनेटिंग साइट क्या है, इसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक, आगे बढ़ो। सो मूविंग ऑन फर्दर, कैन आई मूव फर्दर डियर? ओके, प्रतिमा, ठीक है। हे लाला शिवांगी, एग्जाम्पल बड़ा बड़ा याद करने की जरूरत नहीं है, निकिल डीएमजी 2 देखते हुए आपको इतनी कहानी याद होनी चाहिए कि डीएमजी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, डोनेटिंग साइट क्या होता है, चार्ज क्या होता है, आपको ये बनाना आना चाहिए। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कहाँ से करेगा, दोनों एन के साइड से करेगा, ये सब तो अब ट्वेल्थ में हो, बच्चे तो हो नहीं, टेंथ की चीज़ आप पढ़ोगे, बड़ा बड़ा कैसे याद होगा सर। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट ना, इट डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस। ठीक है शिवांगी, अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है, अभी से टेंशन, अभी तो कुछ नहीं है, अभी कहानी स्टार्ट हुई है। ठीक, एक आप न्यूट्रल लिगेंड देख लो, जो बाइडेंटेट है, न्यूट्रल है, जिसको बोलते हैं ईन, एथिलीन डाई एमीन। कैसे बनाएंगे इसको, NH2 CH2 CH2 NH2, दिस इज एथिलीन डाई एमीन। ठीक, ईन है ना, हाँ ईन। ये जो N है यहाँ पे, ये जो N है यहाँ पे, ये डोनेट करते हैं सेंट्रल एटम को, ये दोनों एक साथ डोनेट करेंगे सेंट्रल एटम को। दिस इज बाइडेंटेट लिगेंड, नाम क्या है आप देख लेना थोड़ा सा एनसीईआरटी से, एथिलीन डाई एमीन। ठीक, न्यूट्रल लिगेंड है, चार्ज कितना होता है, जीरो चार्ज होता है, जीरो। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना शो करता है भाई साहब, दो। ठीक, एथिलीन डाई एमीन। ठीक, हो जाएगा शिवांगी, परेशान नहीं होना है। ठीक, चलो, तो आपने एक ध्यान से नोटिस किया होगा एक चीज़ कि जितने भी बायोडेंटेट लिगेंड्स हैं, ये सभी जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं सेंट्रल एटम के साथ, तो ये एक तरीके के रिंग का फॉर्मेशन कर रहे हैं ना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड चिलेशन, क्या कहलाते हैं इसको, चिलेशन, चिलेशन। और ऐसे लिगेंड जो चिलेशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं, दे आर कॉल्ड चिलेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड चिलेशन। ठीक, और ऐसे लिगेंड जो आपको इस प्रोसेस को, इस तरीके के रिंग के फॉर्मेशन को शो करते हैं, दे आर कॉल्ड चिलेटिंग लिगेंड्स, क्या कहलाएंगे, चिलेटिंग लिगेंड्स। तो मैं आपको बता दूं, जितने भी बाइडेंटेट हैं, ऑल बाइडेंटेट आर चिलेटिंग लिगेंड्स, चिलेटिंग लिगेंड्स। जल्दी से लिख लो, चिलेशन क्या होता है भाई, चिलेशन का लैंग्वेज लिखना है ना, क्लास ट्वेल्थ में हो तो क्या होता है चिलेशंस, कि भाई वेन एवर एनी लिगेंड कोऑर्डिनेटेड टू सेंट्रल एटम एंड इट फॉर्म्स अ रिंग फॉर्मेशन अराउंड द सेंट्रल एटम। जैसे आपने डीएमजी में देखा ना, 5 की रिंग बन रही थी, कोऑर्डिनेशन से 6 की रिंग बन रही थी। तो वेन एवर लिगेंड्स फॉर्म अ रिंग अराउंड द सेंट्रल एटम, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड चिलेशन एंड सच लिगेंड्स आर कॉल्ड चिलेटिंग लिगेंड्स। एग्जाम्पल के लिए देखो, ये भी रिंग बनाएगा ना, एक ये रिंग बना रहा है ना, तो ईन चिलेटिंग लिगेंड है, डीएमजी चिलेटिंग लिगेंड है, ऑक्सलेटो चिलेटिंग लिगेंड है, जितने भी मैंने आपको दिए बायोडेंटिक्स, दे आर कॉल्ड चिलेटिंग लिगेंड, चिलेटिंग लिगेंड। तो डिफिनीशन नहीं देना है, टाइम बच गया। चिलेशन क्या होता है, कि जितने भी बायोडेंटेट हैं वो एक रिंग का फॉर्मेशन करते हैं अराउंड द सेंट्रल एटम। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, चिलेशन। क्या इस बात को समझ गए, क्या इस बात को समझ गए, चलो, हाँ, चिलेटिंग लिगेंड्स आ गए। ठीक आयुष, गुड। अब आप ये भी बात एक जान लो, ये थोड़ी थोड़ी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, जितने भी चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं ना, वो मोनोडोंटेट से ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। किसी मेटल के साथ अगर चिलेटिंग लिगेंड भी है, किसी मेटल के साथ अगर मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा थर्मोडाइनमिकली, चिलेटिंग वाला। जैसे कोबाल्ट के साथ मैंने वाटर जोड़ दिया 6, ये कॉम्प्लेक्स दे दिया, और मैंने कोबाल्ट के साथ ईन जोड़ दिया, एथिलीन डाइएमीन। ठीक, 3+, पूछूं दिस इज फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, दिस इज सेकंड, विच वन इज मोर स्टेबल, तो आप बोलोगे सेकंड, क्योंकि सेकंड में एथिलीन यूज हुआ है ना, एथिलीन डाइएमीन, ईन, ईन, ईएन, ईन इज द बाइडेंटेट लिगेंड एथिलीन डाइएमीन, NH2 CH2 CH2 NH2। तो एक तरीके के ये रिंग का फॉर्मेशन करेगा, रिंग का फॉर्मेशन करेगा, तो सेकंड इज मोर स्टेबल।
वाटर तो मोनोडेंटेट है ना, वाटर कोई रिंग का फॉर्मेशन नहीं करेगा, ठीक। चलो ठीक, ओके फाइन। तो हमने कुछ टर्म सीखे, चिलेशन सीखे, बाइडेंटेड चिलेशन की प्रॉपर्टीज होकर, एनसीआरटी पढ़ लो भाई, एनसीआरटी, ठीक। चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं कुछ, स्टेबिलिटी कौन दिखाएगा ज्यादा, चिलेटिंग लिगेंड्स, बाइडेंटेड्स आर मोर स्टेबल, ठीक। चिलेशन की प्रॉपर्टी सीख ली। अगला टारगेट होगा कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, ठीक। उसके लिए हमें सभी लिगेंड्स को खत्म करना है। आप एक लिगेंड और देखो, दिस इज डाइन, डाइन प्रतिमा, लिशन डाइन, ठीक ठीक डाइन, ठीक डाइन डाइन। चलो डाइन, डाइन का नाम क्या है, इसको बोलते हैं डाइन। इसको कैसे दिखाएंगे, देखो नाम है इसका डाइएथिलीन, डाइएथिलीन ट्राइएमीन, डाइएथिलीन ट्राइएमीन, डाइएथिलीन ट्राइएमीन, स्पेस मत छोड़िएगा नाम में कहीं। कैसे दिखाएंगे, ट्राइएमीन है ना, NH2 CH2 CH2, इसके बाद NH2 आता तो ये क्या हो जाता है, एथिलीन डाइएमीन, EN अभी पीछे पढ़ा था, लेकिन एक H हटाइए, फिर से एक EN यूनिट जोड़ दीजिए, CH2 CH2 NH2, ठीक। ये है डाइन, NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2। N पे लोन पेयर है, यहाँ पे N पे लोन पेयर है, यहाँ पे N पे लोन पेयर है, ये तीनों सेम टाइम मेटल को कोऑर्डिनेट बनाएंगी, तो एक टाइम पे तीन तीन कोऑर्डिनेशन ना, इसलिए एक ये ट्राइडेंटेट लिगेंड है। कैसा लिडेंटेट है, ट्राइडेंटेट लिगेंड। इसकी डेंटिसिटी कितनी है, 3। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 3। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका, 3, ठीक। चार्ज कितना है इस पे, 0। कोई चार्ज दिख रहा है, नहीं, चार्ज कितना है, 0, ठीक। डाइन, चलो डाइन, डाइन की बात भी हो गई, ठीक। डाइएथिलीन ट्राइएमीन की बात हो गई, चार्ज है 0, ट्राइडेंटेट लिगेंड है। जाते जाते एक लिगेंड और पढ़िए, उसके बाद हम आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकलवाना सिखाएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। अभी तक जितनी बातें पढ़ाई है उन सभी बातों का एप्लीकेशन हम ऑक्सीडेशन स्टेट, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने में करेंगे, तब आपको कुछ कॉन्फिडेंस आएगा, तब आपको समझ आएगा कि सर अभी तक क्या पढ़ा है। जब ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उस पर प्रैक्टिस कर लेंगे, तब मैं आपको थ्योरीज पढ़ाऊंगा, वर्नर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ओके। अभी हम लिगेंड्स को क्लासिफाई कर रहे हैं, अभी फ्लैक्सीडेंटेड लिगेंड और बेस्ड ऑन द डोनर साइट फ्लैक्सीडेंटेड और एम्बिडेंटेड हमारे बचते हैं, विद टाइम हमें अलाउ करेगा तो हम कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज हम उन्हें फ्लैक्सीडेंटेड और एम्बिडेंटेड कल पढ़ेंगे, उस पर क्वेश्चन आते हैं, उन पर थोड़ा सा समझ डेवलप करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। चलो दिस इज डाइन, गॉट इट, बढ़िया सर, ठीक। एक जाते जाते आप और पढ़ लीजिए, EDTA, दिस इज EDTA, बहुत यूजफुल कंपाउंड है हार्डनेस रिमूव करने में, कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ इसके कंपाउंड बहुत आप पढ़ोगे आगे फ्यूचर में, ठीक। लेड के साथ इसका कंपाउंड बताया था ना, किसी ने लेड एक्सेस में इनहेल कर लिया, किसी ने ज़्यादा सीसा पी लिया, लेड पी लिया, तो उसको EDTA पिला दो, लेड EDTA का कॉम्प्लेक्स बहुत बढ़िया बनता है और वो सॉल्युबल होता है, आपके बॉडी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो EDTA का लिगेंड अगर है तो EDTA कहीं कहीं लैब में भी यूज होता है ना, जब ब्लड टेस्ट कराओगे जाके पूछना भाई EDTA क्या है, बताएगा वो आपको EDTA। तो इसको क्या बोलेंगे, एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट, नाम है एथिलीन, देखो कहीं ना कहीं से ये एथिलीन डाइएमीन से बन रहा है, टेट्राएसीटेट, टेट्राएसीटेट, एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट, एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट, EDTA, एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट। कहाँ से बना है, एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन क्या होता है, NH2 CH2 CH2 NH2, दिस इज एथिलीन डाइएमीन है ना, एथिलीन डाइएमीन, ठीक। आपको टेट्राएसीटेट, चार एसीटेट ग्रुप ऐड करने हैं, टेट्राएसीटेट मीन्स चार एसीटेट ग्रुप ऐड करने हैं, चारों हाइड्रोजन कॉर्नर वाले हटाओ, ठीक, चार वैलेंसी फ्री करो, एसीटेट ग्रुप जोड़ दो, CH2, एसीटेट ग्रुप क्या होगा आपका, CH2 C डबल बॉन्ड O O माइनस, CH2 C डबल बॉन्ड O O माइनस, ठीक, CH2 C डबल बॉन्ड O O माइनस, दिस इज एसीटेट ग्रुप, CH2 C डबल बॉन्ड O O माइनस, दिस इज EDTA,
दिस इज एडीपी। ठीक है, पहली चीज कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसका, मींस कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा मेटल के साथ। देखो एक नाइट्रोजन का लोन पेयर, एक नाइट्रोजन का लोन पेयर। अब देखो आर्यन किसने बोला था जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगी वही करेगा। ओ लाला, सिर्फ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से डिफाइन नहीं करते। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन, ये भाई साहब ऑक्सीजन भी डोनेट करेंगे, ये ऑक्सीजन भी डोनेट करेंगे, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर भी डोनेट करेंगे, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर भी डोनेट करेंगे। टोटल चार ऑक्सीजन है, ठीक, दो नाइट्रोजन, कोऑर्डिनेशन नंबर छः। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, छः। दिस इज हेक्साडेंटेट, दिस इज हेक्साडेंटेट लिगेंड, हेक्साडेंटेट लिगेंड, हेक्साडेंटेट लिगेंड। एक साथ छः कोऑर्डिनेशन शो करेगा, एक साथ छः कोऑर्डिनेशन शो करेगा ये हेक्साडेंटेट लिगेंड एडीटीए। चार्ज कितना है, चार्ज आप ध्यान रखना हमेशा, एक माइनस, दो माइनस, तीन माइनस, चार माइनस, माइनस फोर, याद रखना है सब इम्पॉर्टेंट। चार्ज और कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखना, जितने भी बाइडेंटेट दिया सबके कोऑर्डिनेशन नंबर दो, ट्राइडेंटेट के तीन, हेक्साडेंटेट के छः, और सब पे चार्जेज याद रखना। डीएमजी पे चार्ज माइनस वन, एसी एसी पे चार्ज माइनस वन, डाई पाई पे न्यूट्रल, डाई इन पे चार्ज न्यूट्रल, इन न्यूट्रल, तो ये सब चार्जेज याद रखना। ऑक्सलेटो चार्ज माइनस दो, ठीक। चलो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, छः, हेक्साडेंटेट लिगेंड, ठीक। फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आपको लिखते लिखते प्रैक्टिस में आ जाएगा। सर वो न्यूट्रल एटम में वैलिड है क्या? आयुष, आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन एग्जैक्टली, ठीक। अच्छा देखो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फैक्टर बहुत छोटा है, बहुत लेस सेंसिटिव फैक्टर है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फैसले बहुत कुछ होते हैं, जब किसी की कोई प्रॉपर्टी डिसाइड करते हो तो ढेर सारे फैक्टर्स हमें देखने पड़ते हैं। डोनेटिंग टेंडेंसी एक्चुअली में डिसाइड करता है मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, होमो और ल्यूमो कॉन्सेप्ट, ठीक। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पढ़ते हो तो आपको हाइब्रिडाइजेशन परसेंटेज एस कैरेक्टर का पूरा आइडिया होना चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या है। साथ में अगर डोनेटिंग साइट है दो, एक या एक से ज़्यादा, तो डोनेटिंग साइट के पास भीड़ भाड़ कम होनी चाहिए, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर, साइज, स्टेरिक हिंड्रेंस, ये सभी प्रॉपर्टी एमओटी थ्योरी मिल के किसी का डोनेटिंग पावर बताती हैं कि भैया कौन डोनेट करेगा कौन नहीं। तो अगर आप सिर्फ एक फैक्टर जान गए हो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क एट एवरी टाइम, ओके। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये केमिस्ट्री पढ़ाने का मज़ा नहीं है मुझे जब तक मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग ना पढ़ा दूं। यू हैव टू क्लियर ऑन केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी। आपको अगर केमिकल बॉन्डिंग नहीं क्लियर है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी नहीं क्लियर है, ऑफकोर्स किसी का नहीं क्लियर है यहाँ पे जितने भी पढ़ रहे हो, ठीक। तो नेम याद रखने की आसान ट्रिक, EDTA वगैरह ये सब आपको ऐसे केमिस्ट्री के बच्चे के लिए बड़ी बात नहीं है प्रतिमा, ठीक। केमिस्ट्री के बच्चे के लिए नॉर्मल है ये, एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट चार बार दिन में याद रखो, आपको बहुत कुछ याद रहता है, ये भी याद हो जाएगा, ठीक। चलो फाइन, इज देयर एनी मोर क्वेरी? हाँ, तो आज मैंने क्या पढ़ाया, बस आपको लिगेंड का क्लासिफिकेशन दिया, कुछ लिगेंड के नाम दिए। पिछले दो दिन से हमारी क्लास बहुत ही थ्योरेटिकल चल रही है, बस हम आपको लिगेंड्स के नाम दे रहे हैं, बट मैं इसको बिना बताए आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है, फाइन। तो अगला जो हमारा टारगेट है कल हम करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, कुछ बेस्ड ऑन द डोनर साइट कि भैया कौन डोनेट करेगा कौन नहीं करेगा, मैं कुछ पढ़ाऊंगा आपको एम्बिडेंटेट लिगेंड। ये बहुत पूछता है एग्जाम में आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्बिडेंटेट लिगेंड और फ्लैक्सीडेंटेट लिगेंड दो टर्म पढ़ाऊंगा, इन पे न्यूमेरिकल कहाँ बनते हैं, क्वेश्चंस बहुत कम बनते हैं इन पे, न्यूमेरिकल जो भी बनते हैं मैं आपको दिखाऊंगा, एम्बिडेंटेड, फ्लैक्सीडेंटेड। और जब ये सभी लिगेंड्स के क्लासिफिकेशन आपको आ जाएंगे, तब आपको मैं निकालना सिखवाऊंगा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, और साथ में कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखो इसका बैकग्राउंड मैंने बना दिया है, ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए मैंने लिगेंड दे दिए, चार्जेस दे दिए, अब थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आप करोगे। कोऑर्डिनेशन नंबर का भी मैंने बैकग्राउंड बना दिया है, सभी का कोऑर्डिनेशन नंबर भी साथ में बताते गया हूँ, मोनोडेंटेट का वन, बाइडेंटेट का टू, ट्राइडेंटेट का थ्री, हेक्साडेंटेट का सिक्स, ठीक। तो अब ये चार कॉन्सेप्ट हमें पढ़ने हैं अगली क्लास में, एम्बिडेंटेड, फ्लैक्सीडेंटेड, ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर पे प्रैक्टिस करना है। जब ये सब बातें आ जाएंगी तब आपकी दोस्ती कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स से हो जाएगी कि लिगेंड क्या है, सेंट्रल एटम क्या है, देन मैं आगे प्रोसीड करूंगा। थैंक यू सो मच। सो इज देयर एनी डाउट?
So class is going to end. Is there any query? Is there any query? जी सर, थैंक यू. पहली बार इतनी अच्छे से समझ आया. आई डोंट थिंक सो प्रतिमा, आई डोंट थिंक सो. आपको समझ आया? मैं एग्री नहीं करता. ठीक, नो सर. चलो, थैंक यू सो मच. प्लीज़ क्लास को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और लोगों से अकबरपुर में एटलीस्ट, यार जो भी लोकल है आपके अकबरपुर में, एटलीस्ट उनको बताओ क्लास चल रही है, एटलीस्ट यहाँ आए, एक दिन आए, दो दिन आए, उनको समझ आएगा नहीं आएगा तो डील किया जाएगा. चीज़ों से भागने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ना है ही. ठीक, चलो, ओके ओके रूपाली, ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच. आई एम गोइंग टू ऑफ द सेशन. ओके, थैंक यू.